हूँ और अभी तक मेरे माइंड में कोई भी हेयर कट नहीं है कि मैं कैसा हेयर कट लेने वाली हूँ। बस मैंने सोच लिया कि मुझे लेंथ को शॉर्ट करना है, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज से मैं बिल्कुल भी अपने बालों का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि हमेशा से मैं अपने बालों की बहुत केयर करती आई हूँ, बट बिज़ी होने के कारण और मेरी अदर प्रायोरिटीज़ की वजह से मैं अपने बालों का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि हेयर लेंथ को शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, इन हेयर ड्रेसर ने मेरे बालों में अच्छे से कंघी कर ली है और अपना हेयर कट स्टार्ट कर दिया है। मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये सोच रही थी कि यार बालों को ग्रो करना कितना मुश्किल होता है और कटाना कितना आसान होता है। कैंची चलती जाती है, चक 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 चक, चक और सारे बाल निकलते जाते हैं, और इन्हीं बालों को ग्रो करने के लिए कितना टाइम लगता है। मैंने एक बच्चे की तरह अपने बालों को ग्रो किया है, उन पे होम रेमेडीज़ का एप्लीकेशन किया था, एंड सच में बहुत केयर करने के बाद इतने अच्छे बाल मिलते हैं। बट ये है कि मुझे पता है कि हाँ कैसे ग्रो करना है बालों को, तो मैं दोबारा भी ग्रो कर लूँगी, एंड ये आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। इस बार जो जो मैं अपने बालों में लगाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी, और साथ में आप भी मेरे साथ वो सब चीज़ें फॉलो करना। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे बाल छोटे चाहिए, क्योंकि मैं उनकी केयर नहीं कर पा रही थी। आप देख सकते हो पीछे से ऑलमोस्ट जो हेयर कट है वो हो गया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैम मैं थोड़ा ड्रायर यूज़ करूँगा आपके बालों में, फिर उसके बाद आगे का हेयर कट करूँगा। तो पीछे का हेयर कट ऑलमोस्ट हो गया है, आगे की थोड़ी सी स्टाइलिंग बची है। एज सच इतना कुछ स्टाइलिंग नहीं कराई है, क्योंकि आगे के बाल मैंने ज़्यादा छोटे नहीं कराए हैं, पीछे की लेंथ कम करवाई है। मोस्टली अपोजिट होता था, मैं पहले क्या करती थी पीछे की लेंथ नहीं कम कराती थी। यस फ्रेंड्स, इट्स फाइनल टाइम टू रिवीलिंग माई हेयर लेंथ, और आप देख सकते हो मैंने कितने छोटे करा लिए बाल, बट आई नो कि आप लोग समझेंगे, और इस बार हम साथ में मिलके हेयर ग्रोथ करेंगे। जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अब हम साथ में मिलकर हेयर ग्रो करेंगे। जो भी रिज़ल्ट रहेगा आपके सामने रहेगा, कुछ भी आपसे नहीं छुपेगा। तो प्लीज़ आप समझना कि मैंने क्यों हेयर कट किया, और इस वीडियो में ना पॉजिटिव कमेंट करना, जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ आप लोग मेरे साथ हो। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई होम रेमेडी के साथ।